से रिलेटेड जितने भी इलस्ट्रेशंस किए वो ऑलमोस्ट बहुत ही सिंपल सिंपल से थे, राइट? तो अभी जो तुम इलस्ट्रेशन कर रहे हो ये कुछ हद तक ठीक है, और इस टाइप के इलस्ट्रेशंस हम लोगों को प्रॉब्लम सेट में भी मिलेंगे जो तुम लोगों को आज अटेम्प्ट करना है, ठीक है? तो देखते हैं कि अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ जो तुम्हारे पास गिवन डाटा है, ठीक है, उस गिवन डाटा को तुम लिख लेना, टू प्रूफ को लिख लेना। मैं डायरेक्ट प्रूफ से शुरू कर रही हूँ। तो पहले हमेशा अपनी नज़र गिवन डाटा की तरफ लेकर जाओ। तो गिवन डाटा में साफ साफ दिख रहा है कि ऐसा लिखा है कि QS इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q। एंगल Q का QS क्या है? आपका एंगल बाइसेक्टर है। तो तुरंत वहाँ पे क्या कर लो, प्रॉपर्टी लगा दो आप लोगों की, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है? तो ये मैंने लगा दिया कि आप लोगों के पास एक ट्राइंगल PQR है। ट्राइंगल PQR में QS कौन है? आप लोगों का एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है? कौन से एंगल का एंगल बाइसेक्टर है ये भी लिखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा ऑफ एंगल PQR, ठीक है? तो देयरफोर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब यहाँ पे कौन सी वाली प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करेंगे? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सो देखो जरा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जब यहाँ पे अप्लाई किए तो तुम्हारे पास क्या आया? जो साइड कट गई है उसका रेशियो, ठीक है, उसके कटे हुए टुकड़ों का, यानी कि PS अपॉन SR, और दूसरी तरफ रिमेनिंग वालों का, तो रिमेनिंग वाला क्या हो जाएगा आपका? PQ अपॉन में QR। ये आ गई मेरे पास एक इक्वेशन नंबर वन। अब ना तो कोई वैल्यू दी हुई है ना कुछ दिया है, तो अब इस क्वेश्चन का वैसे तो दी एंड होने में आ गया है कि समझ ही नहीं आ रहा है करके अब आगे क्या करें। अब गिवन पार्ट भी और कुछ नहीं दिया है, तो अभी सारी हिंट तुमको देखो जो मिलेगी वो शो दैट से मिलेगी। शो दैट में बोला जा रहा है कि आपको ट्राइंगल PQS और ट्राइंगल QSR का रेशियो लेना है, ठीक है? आपको ट्राइंगल PQS और QSR का रेशियो लेना है। PQS का मतलब होता है ये तुम लोगों के ऊपर वाला ट्राइंगल, ठीक है? ये वाले ट्राइंगल को वो कह रहा है कि ये वाला ट्राइंगल आपका कौन सा है? PQS है, ठीक है? ये जो मैं रेड शेड से कर रही हूँ ये वाला ट्राइंगल, ठीक है? अच्छा, अब पहली बात, हम लोगों ने जो फर्स्ट लेक्चर किया था, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेक्चर जब हम लोगों को ट्राइंगल के दो ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो लेना होता है तो हम लोगों को क्या चाहिए होता है उसमें बताओ? उनमें उनकी हाइट चाहिए होती है और बेस चाहिए होती है। अब तीन वर्टेक्स हैं तो आपको तीन हाइट भी मिल जाएगी और तीन बेस भी मिल जाएगा, वो तुम्हारी चॉइस है तुम्हें कहाँ से लेना है। तो वैसे भी ये जो ट्राइंगल आपका PQS है, इस ट्राइंगल PQS में भी आप लोगों के पास क्या रही होगी? एक हाइट रहेगी, एक बेस रहेगी, एक हाइट रहेगी, एक बेस रहेगी, तीन वर्टेक्स है ऐसा। तो अब हम कौन सा वर्टेक्स चूज़ करेंगे? तो क्योंकि एंगल बाइसेक्टर आपके एंगल क्यू का है, तो देयरफॉर वी आर चूजिंग द क्यू एज अ वर्टेक्स फॉर मेकिंग इट इट्स हाइट। तो यहाँ पे देखो, इस क्यू वर्टेक्स से अगर मुझे हाइट ड्रॉप करनी हो तो कैसे बनेगी इसकी हाइट? ये डॉट 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 करके ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये हो गई आपकी हाइट। अब इसको मुझे कुछ नाम वगैरह भी देना पड़ेगा। सो लेट्स से मैं इसको टी पॉइंट दे देती हूँ, तो क्यू टी मेरी क्या हो गई? हाइट। तो यानी कि कंस्ट्रक्शन इस क्वेश्चन में हम लोगों को लिखना पड़ेगा। प्रूफ करने से पहले इस क्वेश्चन में क्या देना पड़ेगा? उस चीज़ का कंस्ट्रक्शन। तो अगर लेट्स से तुम लोगों को कंस्ट्रक्शन लिखना है तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे कि ड्रॉ क्यू टी। आपने क्या किया है? क्यू टी को ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर, किस चीज़ के परपेंडिकुलर है? पी आर के, बराबर। वेरी गुड। अब उसके बाद इसमें अब देखो कि लेट्स से मैं तुमसे अगर ये कहूँ कि आपके पास जो रेड वाला ट्राइंगल है, यानी कि इन ट्राइंगल PQS, तो उस ट्राइंगल PQS में अगर तुम्हारे पास कोई पूछेगा कि उसका बेस क्या है, तो बेस क्या है बताओ? उसका PS उसका बेस होगा। और किसी ने अगर हाइट पूछी तो हाइट कौन होगी? क्यू टी। तो ये मैंने ट्राइंगल, क्योंकि PQS की बात हो रही थी तो ट्राइंगल PQS के बारे में इंफॉर्मेशन लिख दी। अच्छा, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मुझे वो किसके बारे में बोल रहे हैं आप लोगों के? ट्राइंगल QRS के बारे में। अब QRS नामक ट्राइंगल कहाँ है? तो देखो, ये जो उसी के जस्ट ग्रीन वाले के जो जस्ट नीचे वाला हिस्सा है ना, इस वाले हिस्से को एक्चुअल में हम लोग क्या कहते हैं आप लोगों का? ट्राइंगल QRS, ठीक है? अच्छा, अब लेकिन QRS के लिए मुझे कोई अलग से हाइट बनाने की नीड नहीं है, क्योंकि QRS के लिए भी मैं वर्टेक्स क्यू ही चूज़ कर रही हूँ, ठीक है? QRS के लिए भी मैं वर्टेक्स क्यू ही चूज़ कर रही हूँ, और इस वर्टेक्स क्यू से अगर मैं QRS की भी हाइट ड्रॉ करूँगी तो वो भी QT ही आएगी, ठीक है? तो ऐसे केस में अगर मैं बात आप लोगों के ट्राइंगल QRS की करूँ तो वहाँ पे आप लोगों का बेस देखो क्या हो जाएगा। बेस को चेक करो, बेस हो जाएगा SR, ठीक है? बेस हो जाएगा SR, और हाइट तुम लोगों की देखो वहाँ पे क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी QT। हाइट हो गई आपके पास QT। अब क्योंकि टू प्रूफ में एरिया लेने को बोला है तो हम लोग भी क्या करते हैं, इन दोनों वाले ट्राइंगल्स का एरिया ले लेते हैं। तो जैसे मुझे पता है करके कि A1 अपॉन A2, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS
ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्यू आर एस, ये वाली चीज ए वन बाई ए टू किसके बराबर होता है आप लोगों के, बी वन एच वन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सॉरी अपॉन में कितना, बी टू एच टू, यही वाली प्रॉपर्टी होती है ना। तो बी वन कितना है आप लोगों का पी एस, एच वन कितना है क्यू टी, अपॉन में बी टू कितना है एस आर, और वहाँ पे हाइट भी क्या है क्यू टी। तो यहाँ पे बोले तो रीज़न लिखना पड़ेगा, और वही लंबा चौड़ा सा रीज़न तुम लोगों का कि रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे ना तो आपको कहीं ऐसा कह रहा है। अच्छा दूसरी बात, हाइट हाइट तो देखो दोनों में सेम ही थी, ये तो अच्छी बात है। तो तुम लोग ना यहाँ पे डायरेक्टली एक्चुअल में वो वाली स्टेप भी लगा सकते थे करके कि ए वन बाई ए टू इक्वल टू कितना क्या आपका बी वन बाई बी टू, बट अगर ये भी लगा दी हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनडायरेक्टली जो चीज़ आपकी सेम है वो तो वैसे भी कैंसिल आउट तो हो ही जाएगी, है ना। तो ये वाला मैंने लिख दिया करके आप लोगों का रीज़न कि वो किसके बराबर होता है, इज़ इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस, ठीक है, उनके बेसिस के बराबर एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स, ठीक है, और किसके बराबर होता है उनके करस्पॉन्डिंग हाइट्स के। तो ये लंबा चौड़ा रीज़न हम यहाँ पे लिख दिया। अभी देखो ऊपर का क्यू टी और नीचे का क्यू टी, ये वाली पार्ट आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो पी एस अपॉन एस आर ये तुम्हारे पास बचा, सो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गई, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस अपॉन में कितना, एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्यू आर एस इक्वल टू कितना है ये जी, पी एस अपॉन में एस आर। सो गिव इट इक्वेशन नंबर टू। अब देखो ऊपर में क्या है, ऊपर में इक्वेशन नंबर वन है, इक्वेशन नंबर वन के अकॉर्डिंग पी एस अपॉन एस आर किसके इक्वल होता है वाला रेशियो, पी क्यू अपॉन क्यू आर के। तो तुम्हें ये लगता कि जो इक्वेशन नंबर टू है या फिर जो आप लोगों ने अभी निकाला है, यहाँ पे पी एस अपॉन एस आर की जगह मैं पी क्यू अपॉन क्यू आर लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का रेशियो आपस में इक्वल होता है, और यही चीज़ तो क्वेश्चन में हम लोगों को टू प्रूव करने को भी दी गई थी करके कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन में देखो क्यू आर करके, ठीक है। तो इसी तरीके से तुम्हें अपनी छोटी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी करके चीज़ों को सोचने के लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसके बेसिस पर अभी अपने प्रॉब्लम सेट में जाना, प्रॉब्लम सेट में जाने के बाद वहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 इसे अटेम्प्ट करके रखोगे, जो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 10 है इसको अटेम्प्ट करके रखोगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इसे अटेम्प्ट करके रखना। ये तीन सवाल तुम लोगों के आज के होमवर्क के हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, और इसके बस इतना काम आज करके रखो। बाकी का मैंने एक्सरसाइज में भी बता चुकी हूँ कि क्या काम करना है, जितने इलस्ट्रेशन लिए हैं एक्सरसाइज 1.2 में भी कुछ काम बताया, और जितने इलस्ट्रेशन लिए हैं और थे हमको अपनी फेयर नोटबुक में कैसे अच्छे से नोट डाउन कर लेना।